हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव बहुत ही कम मसालों में बनाया जाता है, तो चलिए इसमें हमें क्या क्या लगेगा। ये लिया हमने 600 ग्राम मटन, 400 ग्राम लिया है हमने बासमती चावल जिसको हमने अच्छे से धो के रखा है, 4 मीडियम साइज प्याज जिसको बारीक चॉप करके रखा है, 2 बड़े टमाटर, 1.5 चम्मच किशमिश और 2 गाजर जिसको हमने पतला लंबा काट के रखा है, आधा चम्मच लिया है साजीरा, 1 स्टारफुल, 4 से 5 लौंग और 3 से 4 ग्रीन इलायची, और इसे डालेंगे मटन के अंदर। इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसमें बहुत सारे गरम मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अफगानी पुलाव में बहुत ही कम गरम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच ऐड किया है नमक और इसे डाल दिया हमने कुकर में। हमें 3 से 4 सीटी लेनी है जब तक हमारा मटन अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब ऐड किया हमने 1.5 कप पानी, 4 से 5 हरी मिर्च। दूसरी तरफ हमने रख दिया है बर्तन। अब हमने इसमें ऐड किया 1/2 कप तेल और इसमें ऐड किया है हमने जो चॉप करके रखा था प्याज, तेज पत्ता, प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करके लेना है। प्याज अब हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हमें अच्छे से पका के लेना है जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, और इसे ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पांच मिनट के बाद देखेंगे टमाटर अब हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो हमने बॉईल करके रखा है। हमने मटन को अलग करके रखा है और पानी को छान के अलग करके रखा है, उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छे से भून के लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मटन स्टॉक, इसको हमने छान के रखा था। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और हल्का बॉईल आने तक इसे ढक के रखेंगे। अब पानी में हल्का सा बॉईल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे चावल। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अब हमने एक किशमिश लिया है 1.5 चम्मच और गाजर, इसको हमें हल्का सा फ्राई करके लेना है। फ्राई पैन में हमने ऐड किया है 2 से 3 चम्मच देसी घी। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश और गाजर। हमें इसे 20 से 30 सेकंड के लिए सिर्फ फ्राई करके लेना है। हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे।
चावल बिल्कुल ड्राई हो गए, पानी बिल्कुल सूख गया है। एक पिंच डालिए गरम मसाले का। गरम मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बस हमने टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। पानी अच्छे से हो गया ड्राई। अब हम इसमें गार्निश करेंगे किशमिश और गाजर से। थोड़ा सा हमने रख दिया है और इसे ढक के रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे। 10 मिनट के बाद देखेंगे हमारा अफगानी पुलाव रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको उसी तरह से रखा था ढक के। हमारा पुलाव बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है, हम इसे अब गार्निश करेंगे। बनके तैयार है हमारा अफगानी पुलाव। तो आज की मेरी ये रेसिपी अफगानी पुलाव की आपको कैसी लगी? अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।